हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनपीसी, द जनरल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। एंड आज का हमारा कॉन्सेप्ट और वी कैन से टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पर काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, और आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि हम टू वेक्टर्स के प्रोडक्ट और वी कैन से मल्टीप्लाई टू टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने टू वेक्टर्स लिए हैं ए एंड बी एंड उनका जो मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, अगर वो स्केलर आ जाए दैट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, एंड स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप टू वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें और आंसर आपका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर आ जाए दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, और वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट के काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए। ओके, बस उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? ओके, लेट्स बिगिन द क्लास, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए वी हैव टू वेक्टर्स, हमने वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स लिए हैं। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, हम सपोज करते हैं कि सी हमारे पास इन दोनों के वेक्टर का प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर वेक्टर क्वांटिटी आ जाए दैट इज कॉल्ड, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, एंड इस वेक्टर प्रोडक्ट में हम जो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वो है क्रॉस। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया था उसमें हमने दो वेक्टर्स के बीच में डॉट का यूज़ किया था, इसीलिए उसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। एंड यहाँ पर हम एक नया ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ क्रॉस, सो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसीलिए इसका नाम, इस प्रोडक्ट का नाम क्या पड़ा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्लियर है, आप क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं ये आपको क्लियर है। चलिए, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही यहाँ पर होंगे तभी कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होगी। ठीक है, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेक्टर की ये होती है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मीन्स ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, जो भी हमने लॉज लास्ट लेक्चर में डिफाइन किए हैं, सीखे हैं, उन लॉज को फॉलो करना चाहिए कोई भी क्वांटिटी, तभी हम बोल सकते हैं कि दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए, ये तो हमने साइड पर रख दिया, ये सब हमें पता है कि कौन वेक्टर क्वांटिटी है और कौन स्केलर क्वांटिटी। ओके, हमने कहा कि हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, और इन दोनों क्वांटिटीज को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रॉस प्रोडक्ट में कि यहां पर सी वेक्टर है, इट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इस प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट यहाँ पर तो डायरेक्शन भी मैटर करेगी क्योंकि ये वेक्टर है, तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, एन कैप ले लेते हैं। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर हमेशा यूज किए जाते हैं डायरेक्शन के लिए। ठीक है, सो ये हमारा किससे रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया एज वेल एज डायरेक्शन हो गया, मीन्स ये कंप्लीट जो क्वांटिटी है ये वेक्टर बन गई। ओके, अब डायरेक्शन यस इंक्लूड है, अब डायरेक्शन कौन सा लें वो कन्फ्यूजन हो गया। ओके, हमने सपोज किया ये हमारा जो पेपर है वो एक प्लेन है, और इस प्लेन में हमने टू वेक्टर्स कंसिडर किए, ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन है कि इस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बाद डायरेक्शन क्या होगी। ओके, डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर दो वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उन दोनों के बीच का या उन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो जिस प्लेन में है वेक्टर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा रिजल्टेंट, एंड बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये इस तरह से जो मैंने थर्ड पेन यूज किया है कि दोनों पेन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि दोनों प्लेन एक प्लेन पे है, एक पेपर पे है, तो उस पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी हो सकता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी हो सकता है, टू पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब अगर हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम डाउनवर्ड लें या फिर अपवर्ड लें डायरेक्शन। ओके, जैसे कि हमने ये टू वेक्टर्स लिए हैं ए एंड बी, एंड ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, अब इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन ये हो सकती है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ये हो सकती है, मीन्स यहाँ पर आपका रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव मिलेगा और इधर नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओनली डायरेक्शन का ही खेल है यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन, अब डायरेक्शन को कैसे कंसिडर करें, तो डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना होगा। ओके, यहाँ पर हमने टू क्वांटिटीज ली, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो आपका मिल गया इस क्वांटिटी से, ए बी साइन थीटा गिव्स मैग्नीट्यूड। ओके, बट एन केप इज द डायरेक्शन, ठीक है, एन केप इज द यूनिट वेक्टर एंड इट गिव्स द डायरेक्शन, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर रिजल्टेंट। ओके, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टू वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन करना है एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि हम अगर टू वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन करेंगे तभी हम किन्हीं टू वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं, और एंगल फाइंड कर लिया इसका मतलब हम रिजल्टेंट इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टू वेक्टर्स के टेल टू टेल ज्वाइन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आपका राइट हैंड थंब, जो राइट हैंड है वो आप प्लेस करेंगे दोनों पॉइंट के, दोनों वेक्टर्स के ज्वाइनिंग पॉइंट पर, ठीक है। मीन्स ज्वाइनिंग पॉइंट आप सपोज कर ले ये है ओ है, तो ओ पर आपको राइट हैंड रखना है आपका, और राइट हैंड को इस तरह से, राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है कि ये ए टू बी हो, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए टू बी। अगर आप ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, आपकी जो फिंगर्स हैं वो ए टू बी होनी चाहिए, और अगर आप बी क्रॉस ए लिख रहे हैं तो आपकी फिंगर्स बी टू ए होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन आप ये ध्यान रखना कि अगर आप ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो आपके राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो कर्ल होनी चाहिए ए टू बी में, ठीक है। तो हमने पॉइंट ओ पर आप अपना राइट हैंड रखा और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया ए टू बी, ओके, ये कर्ल किया मैंने, एंड थंब जिस पॉइंट पर, थंब जिस डायरेक्शन में इंडिकेट हो वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। मीन्स आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सी इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट, क्लियर है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट की इस तरह से आप डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये जो आपका फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का, क्या फॉर्मूला है आपका, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी, ठीक है। ए और बी ये क्या है, मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज द साइन थीटा, ओके, एंड एन केम इज द यूनिट वेक्टर, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके। चलिए अब आपने क्या किया कि इस फॉर्मूले के थ्रू स्पेशल केसेस देखे जो कि थीटा की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं व्हेन थीटा इज जीरो डिग्री, ठीक है। जब आप थीटा जीरो डिग्री लें, यानी कि टू वेक्टर्स लिए हैं आपने और टू वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। वेन एवर द थीटा इज जीरो डिग्री देन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू इच अदर, ठीक है। मीन्स उनके बीच का जो एंगल है वो जीरो डिग्री है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रिजल्टेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन जीरो एंड इन टू एन कैप। साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, सो आपका ये जीरो मिला, बट यहाँ एन कैप है, मीन्स वेक्टर शो कर रहा है, तो ये जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। और जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्ररी होती है, ये हमने यूनिट वेक्टर के केस में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर जब हमने पढ़ा था तब ये भी पढ़ा था कि अगर जीरो वेक्टर मिले इसका मतलब क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्ररी होगी, कहीं भी हो सकती है, ओके। सेकेंड केस में हम देखते हैं जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 लें, तो थीटा जीरो और 180 पर, ठीक है, साइन की जो वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, ए बी साइन 180, ठीक है, और दिस इज एन कैप, सो जीरो ही आंसर आएगा, ओके, जीरो वेक्टर कर दीजिए, ओके। थर्ड केस आपका थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिया आपने, तो थीटा 90 डिग्री लिया देन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी एंड साइन 90, ओके, साइन 90, इसका मतलब ये है कि आपने टू वेक्टर्स जो लिए हैं आपके ए एंड बी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सो आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए एंड बी, ओके, एंड डायरेक्शन हो जाएगा, आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर है यहाँ पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, जो भी ए की वैल्यू है, जो भी बी की वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड में, एंड एन केप इज द डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल से, ओके। चलिए ये क्लियर है आपके स्पेशल केस एंड डायरेक्शन। नाउ हम बात करेंगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट यहां पर अगर आपने नेगेटिव साइन यूज किया है देन वो इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए आपने अगर टू वेक्टर्स लिए हैं, वेक्टर ए लिया है आपने, वेक्टर बी लिया है, और इसकी जो डायरेक्शन है आप राइट थंब रूल के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होगा यहाँ पर, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बट अगर आप बी से ए टू जाएं, बी से ए जाएं, तो यही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ओके। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, ए का मैग्नीट्यूड सेम है, बी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन ए क्रॉस बी के लिए पॉजिटिव होगी एंड बी क्रॉस ए के लिए नेगेटिव होगी, सो यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लिया, और नेगेटिव साइन लेंगे तभी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अदरवाइज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जब तक आप नेगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे तब तक, ओके ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप
ने अगर वेक्टर प्रोडक्ट को इस तरह से डिनोट किया है बी प्लस सी, देन आप क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट वाली टर्म से. ओके, मीन्स ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये 100% सही है. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वेक्टर्स एज इट्सेल्फ इज जीरो. ओके, मीन्स आपने वेक्टर ए लिया है एंड सेम वेक्टर ए लिया है. ओके, और दोनों का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा वेक्टर ए का मॉड वेक्टर, फिर बी का मॉड होता है तो बी बी ए भी ए ही है आपका, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड. एंड यहाँ साइन जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो है वो सेम है. ठीक है, दोनों वेक्टर्स क्या है? सेम है, साइन जीरो. एंड यहाँ डायरेक्शन के लिए एन के एफ हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, सो आपको जीरो वेक्टर मिला. ठीक है, मीन्स अगर सेम वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो होगा. ओके, जीरो वेक्टर होगा ऐसा बोल सकते हैं आप. ठीक है, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हैं. ओके, तो दिस इज द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर के जो रिप्रेजेंटेशन है पहले वो देख लेते हैं. यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई एंड जेड में, एक्स में यूनिट वेक्टर होता है आपका आई केप, वाई में जे केप, एंड जेड में क्या होता है के केप. इस तरह से ये थ्री एक्सेस के लिए थ्री यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए गए. ओके, नाउ सेम अगर यूनिट वेक्टर्स आपने लिए हैं, मीन्स आई क्रॉस आई लिया है. ओके, यहाँ पर भी जैसे आपने देखा ए क्रॉस ए लिया है तो जीरो आंसर आएगा. सो यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन होगी, आई क्रॉस आई, आई का मैग्नीट्यूड एंड आई का मैग्नीट्यूड. ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर. ओके, एंड साइन जीरो, साइन जीरो एंड एन के, सो यहाँ पर वन एंड टू जीरो. ठीक है, वन मल्टीप्लाई जीरो एंड एन केप, एन केप इज द डायरेक्शन. ओके, जीरो वैक्टर. ठीक है, या फिर जीरो भी बोल सकते हैं आप. सो आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू आपको मिला जीरो. ठीक है, मीन्स आपने सेम क्वांटिटी ली है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो आपका रिजल्टेंट होगा जीरो. सिमिलरली फॉर जे, सो जे क्रॉस जे इज ऑल्सो जीरो एंड के क्रॉस के इज ऑल्सो जीरो. ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो होता है. एंड डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि सेम वैक्टर्स अगर आप लेते हैं तो उनके यूनिट वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन होता है, यूनिट होता है. ओके, अब अगर आप डिफरेंट वेक्टर्स लें, जैसे कि आपने लिया i क्रॉस j, ओके, और ये दोनों वेक्टर्स, ठीक है, ये थ्री जो यूनिट वेक्टर्स है थ्री एक्सिस के लिए, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो आपको पता ही है. तो i एंड j, मीन्स i एंड j, ये दोनों परपेंडिकुलर आपने यूनिट वेक्टर्स लिए, अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आप क्या करेंगे, वही राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे यहाँ पर. ठीक है, दोनों वेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यहाँ पर आपने राइट हैंड आपने रखा आपका. ठीक है, अब थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, मीन्स थर्ड एक्सिस जो है वो, और ये है जेड एक्सिस. ठीक है, सो आपका आंसर होगा थर्ड एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो. ओके, थर्ड एक्सिस की डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे के से. ठीक है, सो के हो जाएगा. सिमिलरली जे क्रॉस के होगा, सो इसके परपेंडिकुलर आई है, सो आई ले लेंगे. ओके, तो इस सिचुएशन को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप ऐसे राउंड में लिख लें आई जे एंड के. ठीक है, जब हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव लेना है. ठीक है, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा. कैसे? तो आपकी सिंपल सी एक ट्रिक है कि आपने आई जे के राउंड में लिख लिया, अब आप आई टू जे जाना है. ठीक है, मीन्स आपको क्लॉक वाइज रनिंग करना है. ठीक है, आई टू जे गए तो आपका आंसर आया आई क्रॉस जे, तो आपका जो आंसर आएगा वो के होगा. ठीक है, आपको क्लॉक वाइज जाना है. फिर आप जे टू के गए, जे क्रॉस के, देन जो रिमेनिंग वेक्टर है यूनिट वेक्टर वो आई है. ठीक है, मीन्स क्लॉक वाइज जाने पर जो रिमेनिंग वेक्टर जो आपका बचा है वो आई है, सो आई के लिख दो. फिर आप के टू आई गए, मीन्स के यूनिट वेक्टर इंटू आई, सो आपका आंसर होगा जे. ठीक है, बट अगर आप एंटी क्लॉक वाइज जाएं तो क्या होगा? तो यही जो यूनिट वेक्टर्स है वो नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है, मीन्स आप गए आई टू के, मीन्स आई क्रॉस के, तो आपका यूनिट वेक्टर तो जे ही होगा बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं. एंड के टू जे गए, के क्रॉस जे, देन हो जाएगा माइनस आई. एंड जे टू आई, जे क्रॉस आई, देन हो जाएगा आपका माइनस के. तो इस तरह से आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका आंसर नेगेटिव होगा. ओके, तो
आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्रॉस प्रोडक्ट में समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट है देन मैसेज में आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. ओके, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं. एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, ताकि हम और भी अच्छे कॉन्टेंट के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर सकें. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.